हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी? ऐसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बेसिक सी है, लेकिन जानने वालों के लिए बेसिक सी है, जो नहीं जानते लिए उनके लिए बहुत खास है। क्योंकि हेयर स्टाइल कैसे करें, मतलब सेफ वाइज चेहरा, मतलब कैसा भी सेफ हो और कैसी भी हेयर स्टाइल कर लेते हैं। किसी की देखिए हेयर स्टाइल कि हाँ उसकी ऐसी है तो मैं भी ऐसी कर लूँगी, मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर किसी के चेहरे पर वो हेयर स्टाइल जचे, मतलब अच्छी लगे। तो आप लोग देख रहे हो मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं किया हुआ, ठीक है। अभी जस्ट में मैंने कॉम किया है, तो मैं बीच की मांग निकाल कोई भी हेयर स्टाइल करती हूँ, तो मैंने बीच की मांग निकाला, ठीक है। मेरी बीच की मांग वैसे निकलती नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा निकालती नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे नहीं अच्छी लगती। तो मैं मतलब एक तो मेरे चेहरे का शेप दिख रहे हो आप लोग इस तरह से, ठीक है, और इसे हम हेयर स्टाइल बना के या फिर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लगेगा भी कैसे, क्योंकि शेप भी वैसे है और हम हेयर को भी ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगा। तो जिनका शेप मतलब ऐसा है स्कर शेप का, तो वो तो ये बीच की मांग वाली हेयर स्टाइल बिल्कुल भी ट्राई ना करें, या फिर बीच की मांग निकाली और फिर ऐसे कर लेते हैं हेयर स्टाइल, ठीक है। तो देख रहे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, ठीक है। हाँ मांग टीका है और थोड़ा सा इनमें वॉल्यूम देना होगा, मांग टीका लगाएंगे तब इस तरह से, ठीक है, तो अच्छी लगेगी। देख सकते हैं आप लोग शेप भी चेंज हो गया और मांग टीका लगा लेंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि चेहरे का शेप थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है लंबा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज मेरा जैसा चेहरा है जिसका, वो मैं आपको बताती हूँ बीच की मांग निकाल, सॉरी टेढ़ी मांग का, ठीक है। तो जो आवाज़ आ रही है उसको तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं अपनी दुकान पर हूँ पार्लर में। इस तरह से चेहरे का शेप एकदम से इस तरह से हो गया, मतलब अंडाकार जैसा हो गया। तो शेप है जो कि इन बालों पे, बालों में वॉल्यूम आया है, तो ऐसे करके कोई भी हेयर स्टाइल करो या फिर कुछ भी लगाओ, तो ऐसा थोड़ा सा शेप है वो चेंज हो जाएगा। मतलब बीच की मांग की कोई भी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगेगी या फिर ऐसे सिंपल वाली भी नहीं लगेगी। तो हमें करना अपने चेहरे का क्या कहते हैं शेप चेंज, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ भी ले लीजिए आप लोग, जैसे कि कोई भी क्लेचर ले लिया या फिर कोई भी चिमटी ले ली, ठीक है, इस तरह से। तो ये जरूर नहीं कोई हेयर स्टाइल ये नया चल रहा है यही मुझे करना है, या फिर और पुराने हो चुके हैं वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो जो आपके चेहरे पर ना सूट करता हो, अच्छा लगता हो, वो करिए। ये देखिए आप लोग, जैसे कि मैंने किया ये पफ, ठीक है, तो अब काफ़ी दिनों से तो हेयर स्टाइल इसका पुराना हो चुका है, ठीक है। तो ये सोच कर पफ नहीं करते कि इसका हेयर स्टाइल पुराना हो गया है, अपनी शेप को नहीं देखते हैं, अपनी शेप को देखिए चेहरे की को, और दो लट निकाल लीजिए, ठीक है, इधर उधर से। इसके बाद में बाकी हेयर को खुला छोड़ो या फिर चोटी करो। तो मेरे पास अभी क्लिप नहीं है, इतने अच्छे से मैं लट नहीं रहा। तो इसमें जो चेहरे का शेप है वो अलग चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अंडाकार जैसा हो गया है। तो अगर ये हेयर स्टाइल हम अंडाकार वाले चेहरों पर करें, ठीक है, तो ये मतलब और लंबा है उनका चेहरा और इससे और लंबा लगेगा। तो इसे उन पर भी ट्राई नहीं कर सकते हम लोग। तो चेहरे वाइज जैसा जिसका चेहरा है वो सी ही हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी उस पर, ठीक है। तो हाँ यदि हमें करने का मन है कि फ्रेंच जो करते हैं ना, मतलब इधर उधर से ऐसे चोटी हेड वाली हेयर स्टाइल, तो वो वाली यदि आपको करनी है तो इधर से विदाउट बीच की मांग के ऐसे करके, ठीक है, बीच की मांग नहीं निकालेंगे जिनका वर्गाकार चेहरा है स्कार शेप वाला, ठीक है, तो वो यहाँ से फ्रेंच ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और यदि फ्रेंच नहीं बनाना चाहते या फिर इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम दे देंगे, ओके। मैं इतने अच्छे से बना नहीं रही क्योंकि मुझे अभी बनाना नहीं, बस आप लोगों को बता रही हूँ। और ऐसे कोई भी क्लिप वगैरह लगाओ और यहाँ से थोड़ा सा बाल निकालो, तो मतलब देखने में अच्छा लगेगा,
ठीक है, मेकअप करेंगे, साड़ियाँ कपड़े पहनेंगे तो हेयर स्टाइल खुद पर खुद चेंज हो जाता है। सो आशा करती हूँ ये छोटा सा टिप्स आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी हेयरफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।